हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम साउथ इंडियन डिश रवा उत्पम बनाएंगे। रवा उत्पम बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1.5 कप सूजी, 3/4 कप दही, स्वाद अनुसार नमक दो कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच किसा हुआ अदरक डालेंगे और सभी को मिला लेंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। बैटर को ज्यादा पतला नहीं करना है, इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। अब इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम उत्पम की टॉपिंग बना लेंगे। इसके लिए एक बाउल में 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 1 कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कटी हुई गाजर। सारी सब्जियों को हम बारीक ही काटेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालकर सभी को मिला लेंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं, अब बैटर को देख लेंगे। इसे थोड़ा चला लेंगे। बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। अगर आपको बैटर सही लगे तो आप इसमें बिल्कुल भी पानी ना डालें। पानी हम बैटर की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। देखिए, हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। अब एक तवा गरम करेंगे। तवा गरम हो गया है, अब इस पर 1 चम्मच तेल डालेंगे। ध्यान रहे तवा बहुत गरम होना चाहिए। अब गैस धीमी कर लेंगे, बैटर को थोड़ा चला लेंगे और फिर तवे पर डालेंगे। हमें बैटर को तवे पर फैलाना नहीं है, बस तवे पर डालना है। अब टॉपिंग डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालेंगे। टॉपिंग को हल्का प्रेस कर लेंगे। ध्यान रहे ज्यादा टाइटली प्रेस नहीं करेंगे, हल्के हाथों से ही प्रेस करेंगे। अब इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको पलट लेंगे। हल्का प्रेस कर लेंगे और दूसरी साइड से भी पकने देंगे। अब इसे दोबारा से पलट लेंगे। देखिए, हल्का ब्राउनिश हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे।
इसी तरीके से बाकी उत्पम भी बना लेंगे। रवा उत्पम बनकर तैयार है। आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसे अपनी फैमिली में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।